न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। हरियाणा के श्री राव इंद्रजीत सिंह के पिता स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह की 100वीं जयंती आज रेवाड़ी में जन्म शताब्दी के रूप में मनाई गई। इस दौरान प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल, कोसली के विधायक लक्ष्मण यादव व भाजपा के जिलाध्यक्ष हुकम चंद यादव सहित भारी संख्या में उनके समर्थकों ने राव वीरेंद्र सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल ने कहा कि राव वीरेंद्र सिंह का प्रदेश की राजनीति में अपना अलग वर्चस्व था। उन्होंने हमेशा स्वार्थ की राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के विकास को महत्व दिया। आज की राजनीति में ऐसे नेताओं की कमी खलना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि राव वीरेंद्र सिंह ने अपने राजनीतिक काल में सदैव किसानों और मजदूरों का खास ख्याल रखा तथा इलाके में उन्होंने जो विकास कार्य कराए वे अपने आप में मिसाल हैं। यही वजह है कि राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दमदार नेता के तौर पर जाने जाते थे। वहीं कोसली के विधायक लक्ष्मण यादव ने राव वीरेंद्र सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि उनके द्वारा ऐसे अनेक कार्य कराए गए जिसके कारण उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता, इसलिए हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। जिलाध्यक्ष हुकम चंद यादव ने भी भाजपा जिला इकाई की ओर से राव वीरेंद्र सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया और हरियाणा के निर्माण में राव वीरेंद्र सिंह का बहुमूल्य योगदान बताया। इसके अलावा रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव भी अनेक नगर पार्षदों के साथ राव वीरेंद्र सिंह को पुष्प अर्पित करने के लिए पहुंची। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और प्रदेश के दिग्गज नेता राव वीरेंद्र सिंह जी की आज जयंती है और उस मौके पर हम सब लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। और जिस तरह से राव वीरेंद्र जी का एक बहुत बड़ा कद रहा है और एक बहुत सच्चे और दमदार नेता वो रहे हैं और उन्होंने जो बात कह दी उसको अडिग रहते थे और आज भी पूरा हरियाणा उनके बात को तवज्जो देता है कि राव वीरेंद्र सिंह जैसे नेता अभी तक नहीं हुए। तो हम सब लोगों को उन्होंने अपने कार्यकाल में जब भी वो मुख्यमंत्री रहे या केंद्र में मंत्री रहे किसानों का मजदूरों का विशेष ख्याल रखा और हलके के लिए इलाके के लिए उन्होंने बहुत विकास कार्य करवाए। तो आज मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और जो हमारे जनता है वो भी उनका अब तक मान सम्मान करती है और आगे भी करती रहेगी। आज इस क्षेत्र का बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश का और देश में राजनीतिक क्षेत्र पर सदा रहे ऐसे हमारे नेता राव वीरेंद्र सिंह जी का आज 100वीं जन्म जयंती हम आज मना रहे हैं। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके आए हैं और क्योंकि उनके द्वारा जो किए हुए काम हैं रहती सृष्टि उनको याद किया जाएगा, इसीलिए हमारी श्रद्धा इस इलाके की श्रद्धा उनके प्रति सदैव बनी रहेगी। वीरेंद्र सिंह जी इस अहिरवाल क्षेत्र की आन बान शान रहे और बल्कि मैं तो ये कहूँगा पूरे हरियाणा के मार्गदर्शक के रूप में जब हरियाणा बना तो राव वीरेंद्र सिंह का विशेष योगदान रहा और राव वीरेंद्र ने इस अहिरवाल क्षेत्र के लिए भिन्न भिन्न काम किए हैं और उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और ऐसे महापुरुषों की समय समय पर जब भी कोई भी जैसे जयंती हो चाहे शहादत का दिन हो उन्हें ज़रूर याद करना चाहिए और हम इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पूरी जिला इकाई पूरी राव साहब को शत शत नमन करने के लिए उनकी जन्म शताब्दी पर हम यहाँ आए हैं और हम पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको शत नमन करते हैं।